मौसम विभाग सुरेंद्र पॉल जी है, उनसे बातचीत करते हैं। पॉल सर, क्योंकि मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है, हालांकि अक्टूबर आ चुका है, लेकिन फिर भी गर्मी से राहत जरूर नहीं मिल पा रही है, आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहने? देखिए, अभी पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहे हैं, एक अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में, उसका असर आपको अगले 2 से 3 दिनों में दिखने को मिलेगा। उसका असर से तात्पर्य है कि क्लाउड्स होंगे और बीच में कुछ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब है, वहां पे कुछ हल्की सी बारिश भी आ जाएगी। इसी तरह से 9 तारीख के आसपास कुछ पॉकेट्स हरियाणा में, मतलब क्लाउड्स रहेंगे प्राइमरली, तो लेकिन हो सकता है 1-2 जगह पे हल्की बारिश, तो उससे कुछ जो है रिलीफ जरूर मिल सकता है। ऐसे तापमान ज्यादा है अभी, लेकिन मुख्य बात यह है कि तापमान से बहुत ज्यादा रिलीफ इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पश्चिम विक्षोभ बड़े रेगुलर से हैं और बड़े अच्छे नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो उससे होता यह है कि क्लाउड्स आके चले जाते हैं और गर्मी देते हैं, ह्यूमिड भी थोड़ा हो जाता है, जैसे आप आजकल देख रहे हैं। आज भी अभी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है, तो लेकिन ये जरूर है कि कुछ टेम्परेचर कम होंगे मैक्सिमम। कारण क्या है कि ह्यूमिड जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, हालांकि इन दिनों में तो काफी टेम्परेचर जो है वो नीचे जाता है, लोगों को राहत मिलती है? जब मॉनसून चला जाता है तो जो हवाएं हैं नॉर्दर्ली, नॉर्थ से आती हैं जनरली, क्योंकि एक पैटर्न होता है मौसम का उस तरह से। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्टर्ली और वेस्टर्ली से है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ के साथ साथ हवाएं बदलती हैं, वो फिर नॉर्थ वेस्ट से वेस्ट होती हैं, फिर साउथ वेस्ट होती हैं, तो मॉइस्चर लाती हैं, तो ये फर्क आ रहा है। और फर्क ये आ रहा है कि जो चेंज है वो पश्चिम विक्षोभ से है, और दूसरी बात यह है कि मॉनसून भी थोड़ा अभी डिलेड मोड में था, आपने देखा होगा, तो उसका भी अभी जो रेमिनेंट है मॉनसून के, मॉइस्चर और दूसरी चीजें, उसका भी असर कुछ है अभी, और साथ साथ में पश्चिम विक्षोभ है। लेकिन अभी जो है 2 से 3 दिनों में कुछ जैसे पश्चिम विक्षोभ आएगा तो कुछ जो है रिलीफ बहुत तो नहीं मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर में कुछ राहत मिलेगी। सर, सैटेलाइट के थ्रू जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो है वो चीजें? देखिए, ये पश्चिम विक्षोभ ट्रेवल करते हैं, ये आप देख रहे हैं जो रेड्डी साहब का जो स्पॉट कर रहे हैं हम लोग, तो ये बादल हैं जो कि बारिश देते हैं या लाइटनिंग देते हैं, तो ये मूव कर रहे हैं, इस तरफ आएंगे, फिर ये पूरा इस तरफ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, J&K का एरिया, फिर हिमाचल, फिर कुछ हमारा एरिया, फिर मूव करते हैं, फिर इस तरफ निकल जाते हैं ये, तो ये मूवमेंट जो है विंटर में आपको अमूमन देखने को मिलेगी आगे भी, जो आप देख रहे हैं, तो अभी मूव कर रहे हैं, तो ये रात तक, कल तक जो है इसका असर आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, कुछ पॉकेट्स में आपको मौसम थोड़ा सा तब्दील मिलेगा और बारिश भी मिल सकती है। आने वाले दिनों में जैसे 2-3 दिन की आपने बात कही, उसके बाद किस तरह से टेम्परेचर में कुछ गिरावट आई? नहीं, कोई विशेष नहीं, क्योंकि उसका कारण यह है कि पश्चिम विक्षोभ आगे भी आएंगे, 15-16-14 के बाद भी पश्चिम विक्षोभ है, तो कुल मिला के जब भी इस तरफ से बादल आएंगे या तो बारिश अच्छी देंगे फिर रिलीफ मिलेगा। अगर ये बादल आते हैं ऊपर से निकल जाते हैं तो ये बादल जो है खाली गर्मी और वो देके चले जाते हैं, तो और ना केवल गर्मी देके चले जाते हैं, विंटर में आपने देखा है क्लाउड जो है ह्यूमिड कर देते हैं पूरे एरिया में, और अगर अच्छा कोई पश्चिम विक्षोभ ना हो जिससे कि डिस्पर्स हो जाए हवाएं और सब चीजें, तो कई बार आप देख रहे होंगे बहुत जल्दी स्मोक टाइप आप देखेंगे, हेजी वेदर होने लगता है जो कि विंटर में आप देखते हैं।